सो वो कैंडिडेट जिन्होंने पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अभी जो वैकेंसीज आई थी उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था, उन सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट मैं लेकर आ चुकी हूँ। कब से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इसके लिए रिजल्ट हमारा कब आएगा और यहाँ पे कितने परसेंटेज पे हम माने कि हमारे यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो कन्फर्म है। मैं आपको सारी चीजें यहाँ डिटेल में समझाऊंगी। हम सीधा इनके ऑफिशियल साइट पे आए हैं, कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना होगा, कितने परसेंटेज के यहाँ पे सिलेक्शन आपकी जो कन्फर्म है, कैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल रही है, सारी चीजों को वन बाय वन यहाँ कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए मैं आपके हर एक अपडेट बहुत ही मेहनत से लेके आती हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस अपडेट के बारे में पता चल पाए। और आप कौन से लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कमेंट जरूर करें ताकि आपकी नियर बाई जितनी भी वैकेंसीज आती हैं हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की अभी जो वैकेंसीज आई थी जिसमें आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, वेट था कि रिजल्ट आपका कब आएगा और कितने परसेंट पे आपकी यहाँ सिलेक्शन हो रही है, क्या कम परसेंटेज के भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है, उनके भी वेटिंग लिस्ट आएगी वो भी आपको यहाँ पे समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इंफॉर्मेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप हमारी जो ऑफिशियल साइट है meetacademy.in इसको सीधा गूगल पे लिखें, वहां पे आपको पल पल का अपडेट मिल जाता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो, रेलवे का हो, SSC या किसी अदर एग्जाम के रिलेटेड हो, ठीक है, तो आप जाके साइट को चेक कर लेना। फिलहाल बात करें हम यहाँ पे इंडिया पोस्ट डिटेल्स के रिजल्ट के बारे में, ठीक है, जिसमें आप सब जानते हैं कि ये जो इंडिया पोस्ट डिटेल्स की वैकेंसी थी 23 अलग अलग जोन के लिए वैकेंसी थी जिसमें भी वेट था कि आपका रिजल्ट यहाँ कब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, हम सीधा इनके ऑफिशियल साइट पे ही आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि जो लो परसेंटेज है तो उनके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है और कौन सी लोकेशन के यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है, रिजल्ट आप कितनी तारीख से ऑनलाइन अपना चेक कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, हर कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपने चाहे यहाँ पे किसी भी जोन में अप्लाई किया, जोन आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, नेक्स्ट पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। टोटल यहाँ पे 23 ही जोन है जिसके लिए आप में से कैंडिडेट ने जो उन्होंने अप्लाई करा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पे आपने जैसे किसी भी लोकेशन से अप्लाई करा है, कोई भी आपकी स्टेट है या, ठीक है, उसमें ये डिपेंड करता है सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी और कितने हाईएस्ट परसेंटेज वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए आपने असम के लिए अप्लाई किया है, अगर मैं आप प्रीवियस टाइम का भी रिजल्ट देखे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन है ना आपकी वो 62% के अराउंड भी सिलेक्शन आपकी हुई है, ये मैं पहले रिजल्ट की बात कर रही हूँ। उसके बाद आपको पता है जो 62 से नीचे की परसेंटेज है यानी 59-58% उनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले आपकी लोकेशन कौन सी है, वहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितने कैंडिडेट है जिनका सक्सेसफुली अप्लाई हुआ है, फॉर्म तो काफी लोगों ने फिल करे होते हैं, कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनके रिजेक्ट हो जाते हैं, तो सक्सेसफुली जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया उनकी लिस्ट को देखते हुए ही आप यहां पे हाईएस्ट मेरिट जो बनती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने अप्लाई किया आंध्र प्रदेश के लिए, वहां जो हाईएस्ट मेरिट गई है वो ही 86% है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, जरूरी नहीं इतनी जाएगी, इससे अबव भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही डिपेंड करता है कि अगर आपकी हाईएस्ट 86% गई है तो यहाँ पे जो नीचे की लो की मतलब परसेंटेज है उनके यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं अगेन एक चीज रिपीट करूंगी, ठीक है, 100 बात की एक बात कि आपने कौन सी लोकेशन से अप्लाई करा है, वहाँ नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली उनको उनके पास रिसीव हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट आती है। कुछ लोकेशन की मैंने आपको बताया 62% अराउंड
लास्ट टाइम आपकी गई थी, ठीक है, उसमें अगर वेटिंग लिस्ट को बात करें तो उसमें आपकी 59% के अराउंड भी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे आप अपना रिजल्ट कितनी तारीख को चेक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो आपका रिजल्ट है वो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीक जब वो लिंक एक्टिवेट होगा मैं उसी वक्त लाइव वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी, यहाँ पे सारा आपको लोकेशन वाइज बताऊंगी कैसे रिजल्ट आपका चेक करना है, कितनी कितनी यहाँ पे परसेंटेज पे आपकी यो हाइएस्ट मेरिट गई है और वेटिंग लिस्ट कैसे कब आएगी तब मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी पोस्ट ऑफिस का लेटेस्ट अपडेट आता है हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस ना हो। कोई भी क्वेरी आपकी कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतने ही, अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।